कोरोना वायरस से मुकाबला करने में जुटे एसएमएस के डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान संक्रमण से बचने के लिए एक नवाचार किया है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना पीड़ितों के लिए अब रोबोट काम में लिए जाएंगे। एसएमएस अस्पताल में अब सोना 2.5 रोबोट से कोरोना पीड़ितों की सेवा की योजना बनाई गई है। इसके जरिए कोरोना पॉजिटिव मरीज का बिना किसी परेशानी के खतरा मोल लिए इलाज हो सकेगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो एसएमएस अस्पताल कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए रोबोट उतारने वाला पहला अस्पताल बन जाएगा। एसएमएस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में बुधवार को रोबोट के इस्तेमाल का ट्रायल किया गया। इसमें कोरोना पीड़ित के बेड पर दवा पहुंचाने का ट्रायल हुआ। दरअसल कोरोना पीड़ित मरीजों को दवा देने के लिए नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ को बार बार उनके संपर्क में आना पड़ता है। इसी को देखते हुए रोबोट के इस्तेमाल की एक योजना बनाई गई है। यदि ये प्रयोग सफल रहा तो रोबोट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सोना 2.5 नाम के इस रोबोट की खासियत ये है कि ये रोबोट सेंसर की मदद से खुद नेविगेट करते हुए अपना रास्ता बनाता है और टारगेट तक पहुंचता है। ये किसी भी फर्श या फ्लोर पर आसानी से मूव कर सकता है।